हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ चंद्रवीर सिंह राठौर फ्रॉम जयपुर वैशाली नगर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप रेड कलर का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा के नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। तो आज हमारे स्टूडेंट हमारे साथ में, उनसे उनको उनका नाम वगैरह जान लेते हैं, ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है, ये सारी चीज़ें जान लेते हैं। इन्होंने कभी पहले गाड़ी चलाई है नहीं चलाई, क्या कॉन्फिडेंस लेवल है, किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है। तो हेलो मैडम। हेलो, माय नेम इज खुशी गुप्ता। टुडे इज माय 11th डे एंड मैंने कभी लाइफ में गाड़ी नहीं चलाई, बस अब मैंने सीखी। नाउ आई हैव कॉन्फिडेंस कि मैं थोड़ी बहुत चला सकती हूँ, बट धीरे धीरे मैं और सीख रही हूँ और फिर मैं परफेक्ट हो जाऊंगी। इसकी मैं प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, है ना? आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए, अब आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी इसके बाद में। जो आप अपने घर के मेंबर कोई भी हो, साथ में बड़ा चला सकते हो। खुले में चलाना, पहले जब खुले में चलाते हुए टाइम हो जाए तो आप फिर ट्रैफिक में धीरे धीरे इंक्लूड होना। वैसे अपन ट्रैफिक में भी चला चुके हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी कंडीशंस में हमने चलाई है गाड़ी को, खुले में, भीड़ में, सारी चीज है। लेकिन फिर भी क्या होता है, जब बंदा अकेला आता है तो उसको थोड़ा सा घबरा भी जाता है और सारी सिचुएशन चेंज हो जाती है। एक तो सपोर्ट में रहता है, हमारे पास डबल कंट्रोल्स वगैरह रहते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं रहता है, इसलिए ठीक है। तो अभी स्टार्ट करिए। बिल्कुल, बस बस स्टार्ट होने के बाद में हमें पहचान लेना है उसके साउंड से और आरपीएम मीटर से, है ना? ऊपर खींच के बटन दबा के फर्स्ट परफेक्ट है। अभी साइड व्यू मिरर में देख के फिर चलना है हमें, है ना? ओके, सही है। अभी सेकंड लगाइए, एक्सीलेटर छोड़ के क्लच दबा के परफेक्ट है। तो गाड़ी को हम जैसे बड़े गियरों में कैसे चला सकते हैं, चौड़ी रोडों पे जो स्पीड में कैसे चलाते हैं, ये ज़्यादा लेन होती है, 2 लेन 3 लेन पे गाड़ी को कैसे चलाते हैं, थर्ड गियर लगाइए। तो थर्ड फोर्थ गियर को हम कैसे यूज़ में लेते हैं, कब लगाते हैं और क्यों चलाते हैं, इसका सारी चीज़ें आपको बताते हैं। जब भी हमारी स्पीड बढ़ रही है, अबाउ 20 जा रहे हैं तो थर्ड का यूज़ करेंगे, अबाउ 30 जा रहे हैं तो अपन फोर्थ गियर का यूज़ करेंगे। तो ये स्पीड में चलने के लिए, जैसे आप देख सकते हो रोड की रोड क्लियर है अभी, तो इसीलिए हमने गाड़ी के थर्ड गियर लगा लिया है और आगे उसको हम यूज़ में ले रहे हैं गियर को। अभी फोर्थ भी मांग रही है गाड़ी, गाड़ी का साउंड भारी भारी हो रहा है, तो मतलब गाड़ी गियर मांग रही है। इन्होंने फोर्थ गियर भी लगा दिया है, इजीली ड्राइव कर सकते हैं। आगे नैरो आ रही है तो अपन राइट साइड व्यू मिरर में देख के लेन चेंज कर लेंगे साइड में। बिल्कुल परफेक्ट है, आगे रेड लाइट है, अंधा मोड है, तो पाम ब्रेक पे ले लेंगे, हॉर्न भी देंगे, फिर वापस से लेफ्ट जॉइन हो लेंगे मिरर में देख के। हॉर्न दो, पाम ब्रेक पेडल पे लो, परफेक्ट है, सही है। तो फ्रेंड्स, गाड़ी चलाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, अंडर द कार, रियर द कार, फ्रंट ऑफ द कार, ये सारी चीज़ें देख लेनी चाहिए कि कहीं कोई ऑब्जेक्ट, कहीं पत्थर वगैरह, जानवर वगैरह, एनिमल, इंसेक्ट वगैरह, डॉगी वगैरह तो नहीं बैठा है, कहीं बच्चा वगैरह तो नहीं है गाड़ी के नीचे खेल रहा हो, टायर में एयर प्रेशर वगैरह, ये सारी चीज़ देख लेनी कि कहीं टायर तो फ्लैट नहीं है। और जब भी नया स्टूडेंट क्या गलती करता है कि गेट खोलता है तो पीछे नहीं देखता है, तो लुक बैक बिफोर ओपन द डोर, आपको ये चीज़ भी देखनी है कि गेट खोलने से पहले हमें पीछे नज़र मार लेनी है एक बार, ताकि दूसरे का भी नुकसान नहीं हो, आपका भी नुकसान नहीं हो। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना है, अलर्ट रहना है, एडवांस रहना है, गाड़ी चलाने के लिए एक कदम आगे की सोचनी है। ऐसे नहीं कि आप प्रेजेंट में चल रहे हैं, गाड़ी चलाते वक्त हमें क्या करना होता है कि आगे का पहले देख लेना चाहिए कि अब हमें क्या करना है, उस वक्त उस समय पहुँच के सिचुएशन को देख लेना है पहले ही। तो अभी हमारी गाड़ी फोर्थ गियर में चल रही है, तो जैसे ही अब जब गाड़ी स्लो होगी तो हम गियर भी डाउन करेंगे, ऑन भी देंगे, इसको साइड से ले लेंगे, राइट साइड व्यू मिरर में देख के क्लियर है, जा सकते हैं अपने लेफ्ट में ही है ओनली टू व्हीलर, तो वो निकल जाएगा। ट्रैफिक सेंस ये बोलता है टू व्हीलर हमारे लेफ्ट में चलेगा, फोर व्हीलर राइट में चलेगा। और गाड़ी चलाने से पहले आपको रेड लाइट है तो अपन को स्टॉप करना है, लाइट्स वगैरह रूल्स को फॉलो करना है, स्पीड लिमिट वगैरह को सबको फॉलो करना है अपन को। तो अभी हम फोर्थ गियर में हैं, तो लोगों का सवाल होता है कि क्या हम फोर्थ से फर्स्ट में जा सकते हैं, पहले तो स्टॉप करो। बिल्कुल, रोक लो, ये फोर्थ गियर में हमारी गाड़ी, तो आप फोर्थ से फर्स्ट लगाओ डायरेक्टली, हाँ निकाल के एक बार प्रॉपरली इधर करके, वो थर्ड लग गया, ठीक है।
तो इसमें स्पीडोमीटर पे डिपेंड करता है, 0 to 10 आगे निडल तो हम फोर्थ से फर्स्ट गियर लगाएंगे, कोई से भी गियर में जा सकते हैं अपन। तो इसमें ये चीज़ नहीं है कि अपन को स्टेप बाय स्टेप ही आना है, इंक्रेडिबल जब होंगे गियर बढ़ेंगे तो अपन स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे, स्ट्रेट चलेंगे अपन। और जब चलो अब ग्रीन होगी ना, और जब गियर डाउन होंगे तो वो हमारी स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। ले एक्सीलेटर लेके धीरे धीरे छोड़ो, ग्रीन हो गई, बंद हो गई गाड़ी, एक्सीलेटर देके उठाना हमेशा, ले रेस ले ले और ले, अब छोड़ो धीरे धीरे, सही है बिल्कुल पूरा छोड़ो। हाँ अब सेकंड गियर लगाओ, एक्सीलेटर छोड़ के क्लच दबा के चलो, परफेक्ट है। तो गाड़ी जब भी हम फर्स्ट गियर में उठाते हैं तो हमें 5-10% एक्सीलेटर ले लेना है, क्योंकि हमारा बॉडी वेट उठाना होता है गाड़ी को, इस बॉडी वेट उठाना होता है, इसलिए हमें एक्सीलेटर ले लेना है और क्लच को स्लोली स्लोली रिलीज करना है। थर्ड गियर लगाओ। अक्सर स्टूडेंट यही मेन गलती करता है कि फर्स्ट गियर में जैसे ही वो चलाने जाता है गाड़ी बंद हो जाती है। गाड़ी बंद क्यों हो जाती है, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है, आप लोग क्लच जल्दी छोड़ देते हैं, उसको होल्ड नहीं करते। जैसे मैं बताता हूँ आपको कि फर्स्ट गियर में क्लच को कैसे छोड़ना है, जैसे ही आप 5% एक्सीलेटर ले लिया, पहले तो आपने क्लच दबा के फर्स्ट गियर लगा लिया, गियर लगाने के बाद में आपने एक्सीलेटर डिसाइड कर लिया कि कितना लेना है हमें, उसके बाद में फिर हमें क्लच को छोड़ने का काम रहेगा, धीरे धीरे रिलीज करेंगे। इधर देखो लेफ्ट साइड में ऑटो है तो आप राइट में ले लो, राइट में भी कार आ गई एक, तो सेंटर में रहेंगे, स्पीड ब्रेकर है, स्लो कर लो और स्लो कर लेंगे बिल्कुल। अब छोड़ो क्लच, फिर ले लो एक्सीलेटर, बढ़ाओ बिल्कुल। हाँ दोनों तरफ गाड़ियां हैं बिल्कुल। हाँ अब राइट में ले लेंगे, अब राइट वाली क्लियर है ना, टू व्हीलर है ओनली, उस जितना स्पेस छोड़ दो। और देखो मिरर में है कोई, टू व्हीलर ही ओनली। अब फोर्थ गियर भी लगाओ, फोर्थ गियर लगाओ, स्पीड बढ़ जाए तो फोर्थ लगाना हमें फिर, क्योंकि फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगा और गाड़ी की इंजन साउंड करेगा, लोड पड़ेगा इंजन पे, तेल की खपत ज़्यादा होगी। तो गाड़ी को लो गियर में नहीं चलाना है, जब खुली है, तेज चल रही है, रोड क्लियर है, क्लियरेंस मिल रही है, तो हमें स्पीड बढ़ा लेनी है, गियर भी बढ़ा लेना, राइट इंडिकेटर ऑन करो, हम यू टर्न लेंगे तो उधर हो लेंगे, उस लेन में हो लेंगे अपन बिल्कुल। हाँ और अभी रेड लाइट है, 30 सेकेंड के अराउंड है, तो अपन लोग रोक लेंगे। अगली गाड़ी में और हमारी गाड़ी में इतना डिस्टेंस रहना चाहिए कि उसके व्हील दिखने चाहिए, टायर ज़्यादा चिपका के नहीं खड़ी करनी है, उससे नुकसान है, वो रिवर्स आ जाए, कभी भी जगह की जरूरत पड़ जाए, बैक आ जाए, हमारी गाड़ी भी आगे कसक जाए, ब्रेक अगर हमारे ढीले पड़ जाए, ग्रिपिंग ब्रेक से पाँव उठ जाए तो आगे ना चल जाए। अभी फोर्थ गियर में आके रुके, फर्स्ट गियर लगेगा, ये थर्ड है, ये फर्स्ट है, ओके परफेक्ट। और यू टर्न कब लेते हैं, जब ये हमारा फ्रंट डोर जो डिवाइडर के कॉर्नर को क्रॉस कर लेगा। अभी बंद मत करना गाड़ी को, एक्सीलेटर देके छोड़ना, ले एक्सीलेटर लो, छोड़ो, हाँ आराम से, परफेक्ट है बिल्कुल परफेक्ट है। पूरी गाड़ी कटेगी जब डिवाइडर के कॉर्नर को हमारा डोर और ड्राइवर सीट क्रॉस कर लेंगे, बस अब हाँ परफेक्ट है। अब जैसी सीधी कब होगी, जैसे ही रिटर्न हो रही, गाड़ी का फेस सीधा हो रहा है, करते जाओ, वेरी गुड परफेक्ट है, अब चलो सही है। अभी फर्स्ट में टर्न करिए, सेकंड लगा लो, चलो क्लच अटैक परफेक्ट, फिर थर्ड गियर भी लगा लो, सही है। फिर आगे स्पीड ब्रेकर आ रहा है, तो हमें स्पीड ब्रेकर पे अकॉर्डिंग टू हाइट स्लो करनी है, कि कितना ऊंचा है, कितनी जंप करेगी गाड़ी, उसके अकॉर्डिंग हमें स्लो कर लेनी है बिल्कुल सही है। और स्लो करो, सेकेंड गियर आएगा अपना, थर्ड से गियर भी डाउन हो जाएगा क्योंकि स्पीड स्लो हो गई। अब चलो क्लच छोड़, फिर थर्ड लगा लो, परफेक्ट है। तो थर्ड गियर में चल रही है, फोर्थ मांग रही है, लेकिन आगे वापस से अगेन स्पीड ब्रेकर आ रहा है, रिपीट कर रहा है, तो हम फोर्थ गियर नहीं लगाएंगे। अभी क्लच दबा लो, पाम ब्रेक पेडल पे ले लो और थोड़ा स्लो करो। इसकी ज्यादा हाइट नहीं है तो इसमें हम थर्ड गियर में भी ले सकते हैं, राउंड शेप में भी है, तो हमें कुल मिला के इसके इम्पैक्ट से बचना होता है। छोड़ो क्लच, फिर चलो, जब हमारे रियर व्हील्स क्रॉस कर जाए स्पीड ब्रेकर पे, तो हमें क्लच छोड़ के चलते बनना है। और अगर इस दौरान हमारी गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाए, तो हमें स्पीड स्लो होने पे गियर भी चेंज कर लेना है। आगे रेड लाइट आ रही है, पाम ब्रेक पे ले लो क्लच दबा के, कोई भी आ सकता है, सुबह सुबह का टाइम है, तो कोई भी सोचे कि भाई जंप कर ले रेड लाइट वगैरह, साइड में भी गाड़ी है, तो अपनी लेन मेंटेन करते हुए पोजीशन।
हॉर्न दो और बिल्कुल हॉर्न देंगे, गली मोड़ कट चौराहे पे, फिर फोर्थ गियर लगाओ। और जब भी हम गियर लगाते हैं तो रेस छोड़नी है और क्लच दबाना है। लेफ्ट इंडिकेटर ऑन करो, लेफ्ट टर्न लेंगे, क्लच दबा लो, पाम ब्रेक पे ले लो, बिल्कुल लेफ्ट साइड व्यू मिरर में देख लो, सही है। और स्लो करो, और स्लो करो, गियर भी चेंज करो, फोर्थ से सेकंड लगाओ, उल्टा ही हो, परफेक्ट है। करो टर्न, करो, परफेक्ट है ना, ऐसे यही रेडियस रहेगा। छोड़ो क्लच, एक्सलेट करो, साइड व्यू मिरर में देख के सीधी करो, बिल्कुल हाँ परफेक्ट है। अब थर्ड गियर लगाओ, एक्सीलेटर नहीं छोड़ा, जब भी अपन क्लच दबा रहे हैं तो एक्सीलेटर से पाँव हटाना है हमें, फिर क्लच छोड़ना है हमें। अब फोर्थ गियर भी लगाओ अपने एक्सिस पे, यहाँ पीछे अपने एक्स पर ही जैसे वो है उसके सामने सीधा वो पीछे आ जाएगा। तो ये सिंगल रोड होती है, इस पे चलाना ज़्यादा रिस्की होता है, जैसे कि आप देख सकते हो कि उधर की गाड़ियाँ व्हीकल्स जो है हमारी लेन में भी आ जाती है, और जो जाने वाली व्हीकल्स हैं वो राइट साइड भी चल जाते हैं पूरा पूरा, क्योंकि वो जगह पे सबको जल्दी होती है। तो वो ओवरटेकिंग पे जैसे बाइक आ रही तो ऐसे में डीपर देना है हमें, गेट भी खोल लिया तो इसमें भी हमें अलर्ट रहना, पाव ब्रेक पे ले लेना। लेफ्ट टर्न लेंगे, इंडिकेटर ऑन करो, पाव ब्रेक पेडल पे आ जाएगा क्लच दबते ही, गेट डाउन होगा सेकेंड, फोर्थ यही है ये, बिल्कुल। फिर देखेंगे लेफ्ट साइड भी मिरर में, हॉर्न भी देंगे, और दियो हॉर्न, बिल्कुल हाँ काटो, बिल्कुल सही है। अब सीधी करो स्टीयरिंग, क्विकली क्विकली, एक्सीलेटर नहीं देना पहले, सीधी होए पूरी, अब क्लच छोड़ो फिर चलो। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके बताना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।